का भी अकल नहीं है दिमाग नहीं है गिट्टो में चला गया है, सगे का, सितारा के खामोश रही है आपके भांजों पे आपके साथ इल्जाम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कैसे हैं? आप सब ठीक है उम्मीद खैरियत से होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया मेरी बहनों का खबरदार मुझे आप पाओ तो वरना मैं बेहोशी की दवा खा के सो जाऊंगी <laughs> बहुत अच्छा लगा रात लाइव में और थोड़ी सी चिड़ा चेड़ी मस्ती मसाक भी होता रहा इमोशनल भी थे लेकिन थोड़ी देर के लिए हम सारा मेरे से थी और सोनिया थी ऊपर <laughs> उन्होंने हंसाया मुझे बड़ा अच्छा लगा आ, मैंने भी जरा उनको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश की बहुत मज़ा आया और आ, 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 राज सितारा यासीन की दो तीन और आइडिया आई लोग एक ही थी वैसे दो तीन बार आई वो लेकिन फेक थी वैसे तो सितारा यासीन पहले आई थी दो तीन दफ़ा तीन दिन आती रही हैं मसलसल लव यू मेरी जान खुश रहे आबाद रहे सलामत रहे सदा सुहागन रहे और परेशान ना होना मुझे पता है आप परेशान हैं आप वीडियो भी नहीं डाल रही अल्लाह ताला आप लोगों को या तो सबको मिला दे ये परेशानियां ख़त्म करें बहन आपकी हो गई आप बहने हैं जाहिर सी बात है आप लोगों ने आप लोगों की हो जानी है सुलह लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई है असगर की तरफ़ से या उसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है अगर सितारा को तो उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए सलमा यासीन आप सेफ़ गेम नहीं खेल सकती अपने हस्बैंड को बचा के आप अपनी बहन की कुर्बानी नहीं दे सकती आप बहुत गलत कर रही हैं बहन की खाली नहीं अपने बच्चों की भी कुर्बानी दे रही हैं उनके बच्चों की भी कुर्बानी दे रही हैं मुस्तबिल कर रही हैं लेकिन ये हमें सारा पता है कि ये सरासर जो है सलमान की गेम लग रही है मुझे सलमान की और आयशा की जो दिलवर की सांप का बेगम थी हमें जहां तक अंदाजा लगता है ये उनकी गेम है फंसाने की कोशिश की जा रही है और बीच में जो है नैना नैना का बड़ा दुख है सितारा ने बहुत ज्यादा प्यार दिया बहुत केयर की बाकी यूट्यूबर भी अपना मतलब आ, जो है निकाल रहे हैं बड़, बड़ा दुख हुआ है मुझे बहुत तकलीफ हुई है मैं कहती हूँ किसी के घर से एक गिलास पानी भी पी लिया ना आप कभी भी ना भूलें मेरी माँ बनी हुई है उन्होंने वो क्या करती थी हम दारुल अमान में थे मतलब के चाइल्ड होम में तो उसमें जो है वो अक्सर अपनी तनख्वाह से समोसे लेके आती थी लड़कियों के लिए मैं आज तक उनके साथ वफा करती हूँ मेरी मेरी नहीं है तो बोली माँ है तो तो मैं बोली आज तक उनके साथ खड़ी हूं अभी कुछ दिन पहले मेरा भाई और मेरी अम्मी भी आए थे मिलके गए वही तो मैं ये बताना चाह रही हूं अगर आप किसी के घर एक गिलास पानी पी लेते हैं तो आप वफा करते हैं करनी भी चाहिए तो अब मैं जो है ये बात कर रही थी कि आपको वफा करनी चाहिए वैसे ही सितारा यासीन ने कुछ लोगों को अपने हाथ से खाना पका पका के खिलाया और वो लोग वाईटी पे आके जो है आ, बोल रहे हैं सितारा यासीन को गालियां दे रहे बुरा भला कह रहे हैं साजिद को बुरा भला कह रहे हैं मुझे बहुत दुख हुआ बहुत तकलीफ हुई है मुझे उस बात की कि इन्होंने ऐसा क्यों किया देखें जी चैट बार बार मैं कह रही हूँ आप लोगों को खुद को भी पता है बेवकूफ को ही नहीं है बार 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 आप चैट की बात कर रहे हो ना कुछ लोग प्लानिंग की बात कर रहे हो चैट की बात कर रहे हो तो उसमें चैट फेक भी होती है सलवा अगर ऐसी थी सच्ची सवित्री तो वो हस्बैंड से लेती पहले अगर आपको बहन नहीं इतना पसंद थी या बहन के ख़िलाफ़ आपने स्टैंड लेना था तो पहले आपने हस्बैंड अलग होना था अगर आप सच्ची थी लेकिन यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि सलमा ने झूठ बोला है कोई और गुस्सा निकाला है और सलमा इस्तेमाल भी हो सकती है कि किसी ने इस्तेमाल किया खासकर हमें ज़्यादा शक तालियां जो बजा रहा था रोती हुई की वीडियो पे वो सलमान था तो सलमान हो सकता है उन्होंने ब्रेन वाश किया हो और उसके बाद जो है आ, 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 मुझे बड़ा दुख हुआ जब वो साजिद को गालियां दे रही थी बेबो और इनसाइडर ने इस तरह से वीडियोस बनाई मुझे बहुत तकलीफ हुई सलमा खुद क्यों नहीं कर सकती थी आप सारी जिंदगी जो है सितारा की सपोर्ट में बोलते रहे चैनल ग्रो किए आप लोगों ने और अब आप कह रहे हो कि हम हराम करने वाला बच्चों को नहीं खिला सकते यहाँ पे हराम और हलाल की तो बात ही नहीं हुई आपको चाहिए था आप सलमा को कहते आप खुद चलाएं तो इसका मतलब सलमान ने इनको भी इस्तेमाल किया मैं यही कहूंगी अल्लाह पाक मुझे भी नमक हरामी से बचाए मैं ऐसी नहीं हूं और ना मैं हूँ अगर अपनी अम्मी के साथ सोलह साल से खड़ी हूं सोलह साल हो गए हैं मेरी आ, अम्मी जो हैं और मुझे हम आ, मुझे बकायदा ईद आती है ईद के जोड़े कपड़े अभी भी अम्मी आई तो मतलब ऐसे पिछले दिनों मैं गई हुई थी तो अचार वगैरह बनाया कुछ भी है फ़ौरन मेरा मतलब बहुत करती हैं वो उनकी अपनी भी तीन बेटियाँ हैं चौथी मैं हूँ लेकिन मुझे बड़ी कहा जाता है उस घर में मैं बड़ी बेटी हूँ तो बात यह है कि हा हा क्योंकि यहाँ पे मेरी माँ का चैनल नहीं है ना इसलिए उसने मेरे से फायदा नहीं उठाया और ना मेरे खिलाफ बोली है और मु ना सुन सकती हैं अपने बच्चों से भी नहीं सुन सकती मेरे खिलाफ बात तो क्योंकि उसका यूट्यूब चैनल नहीं है इसलिए वो शायद मेरे साथ पंद्रह सोलह साल से वफा कर रही हैं सोलह साल सोलह साल से वफा कर रही है तो यहां पे चूठी मां बनी तो जो नमक हराम निकले ये लोग मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का बहुत तकलीफ हुई और इन्होंने कहा हम सच का साथ देंगे सच आपके सामने आया ही नहीं है एक वीडियो में आप कह रही है ये देखें जी ये दो मोबाइल है दोनों में आइडिया बना लो किसी की भी तस्वीर लगा दो एक दूसरे को मैसेज करके स्क्रीन करके आप दूसरों को भेज सकते हो ये देखो जी ये वीडियो हुई है अभी घंटा नहीं गुजरा साजिद भाई ने नाम नहीं लिया इनका उन्होंने वैसे अदरवाइज जो है बात की है फौरन आई है गालियां देने साजिद भाई को तो देखेंगे इस तरह नहीं होता अभी आप लोगों के हाथ में प्रूफ नहीं आए ये बात अगर एक बंदी आधे आधे घंटे की वीडियो बना के रो रही है चीख-चिल रही है इल्जाम ल, लगा रही है तीन बच्चों की माँ पे तो वो आ, उसी टाइम प्रूफ भी गुस्से में दिखा सकती थी जो भी थे तो यहां पे मैं कह रही हूं झूठ है सच भी है तो मैं कभी भी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूंगी मेरा बच्चा मेरी बहन ने कोई भी गलती की है मैं उसे कमरे में ले जाऊंगी उसको मैं खूब फेंटा लगाऊंगी हाथ सेखूंगी अच्छी तरह से फिर उसके साथ सारी जिंदगी ना बोलूं बेशक लेकिन यह गुस्सा उस पर निकालूंगी जरूर मैं ये करती मैं अगर होती मेरा ख्याल से मेरे अलावा भी किसी का माँ बाप या बहन बड़ी होगी तो वो भी ऐसे करेगी मेरी बात से आप लोग इतफाक करेंगे इनशा उसके बाद जो है Uh, कौसर के भाइयों की वीडियो देखी और उसके बाद uh, मुझे अच्छा लगा uh, उन्होंने स्टैंड लिया सगे भाइयों ने तो ना लिया सगे भाइयों का भी अकल नहीं है दिमाग नहीं है गिट्टों में चला गया है सगे भाइयों का सितारा के सगे भाइयों की बात कर रही हूँ गिट्टों में दिमाग है अच्छा भाई उन उन लोगों ने जो है सलमा को फ़ोन करके ये नहीं कहा बेटा तू पाकिस्तान आ जाती जो रईसा है उसको वहाँ पे छोड़ आती बंदे अपने को पाकिस्तान आके तू पंचायत लगाती और यहाँ पे हम तेरे साथ देते और वो वो भी मतलब ऐ ही है उल्टा कह रहे हम सितारा को छोड़ते हैं सलमा के साथ है तो सितारा को टे, क्या टेंशन हो जाएगी वो रोटी नहीं खाएगी तुम लोगों के बगैर वो पहले भी बेचारी बड़ी मुश्किल से स्टैंड लेके अपना आगे बढ़ी है अकेली बढ़ी है किसी का सहारा नहीं लिया उसने ना वो उसने किसी से लेके खाया सितारा ने उल्टा तुम लोगों को स्टैंड किया है पूरे खानदान को नमक हराम निकले हैं सारे आज आ गए सलमा का साथ देंगे तो सलमा ने कौन सा तीर मारा है तुम लोगों को नंगा किया है लोग तुम लोगों को नहीं बुरा कहेंगे भाई इसकी बहन ऐसी ओ हेलो मेरा दिल कर रहा है सुबह इन लोगों को ना मैं टैग करूं यही वीडियो शायद किसी को अकल है पता नहीं मैं अकेली पागल लग रही हूं किसी को मेरी बात में क्यों नहीं समझ आ रही सिवाय मेरी उन बहनों के जो व्यूवर्स ऑलरेडी सितारा की पक्की व्यूवर्स है जो उससे प्यार करती है उनको समझ आ रही है बाकी किसी को भी नहीं आ रही भाई यही भाई कह सकते थे सलमा हमें तुमसे गुस्सा है हम तुम पे तुमने हमारी भी इज्जत रोली सितारा ने नहीं तुमने रोली तूने हमें जलील किया खाली खा अकेली सितारा नहीं आ, मतलब जलील हुई उसके साथ साथ पूरी पूरे ख़ानदान को टारगेट किया तुम लोगों ने कौसर के भाइयों की बड़ी अच्छी बात लगी मैं यही बात कर रही थी कि देखो अपने भाइयों ने साथ ना दिया वो हम जिनको बुरा कहते थे आखिरकार वो बोल रहे हैं मुसलसल वीडियो बना रहे हैं और वो किसी को गुस्सा कर रहे थे कि देखो पता नहीं कौन से मज़हब से आप ताल्लुक रखती हैं सितारा नाम है उसका और आप उसका गंदा नाम ले रही हैं आपको मतलब तमीज़ नहीं है तनकीद करनी है करो लेकिन आप इतना गंद, इतना नफरत तुम लोगों के घर से चोरी की है उसने है? इतनी भरी पड़ी हो तुम लोग सितारा यासीन के खिलाफ मुझे बड़ा अच्छा लगा आसिम भाई हैं मेरे ख्याल से वो बड़े वाले जो है वीडियो बनाई उन्होंने स्टैंड ले रहा है वो बंदा बहुत अच्छा किया उसने कहा पहले हमें सितारा बाद में कौसर अब मामला जो है ना ये जिस तरह से तूल पकड़ रहा है यहाँ पे हम पीछे नहीं हटेंगे और वो ब्लॉगर भी नहीं है ये नहीं कि वो व्यूज के लिए बेचारे कर रहे हैं वो व्यूज के लिए नहीं कर रहे सबको पता है वो व्यूज के लिए नहीं कर रहे वो सिर्फ कभी कोई बात करनी हो फिर आते हैं वरना नहीं आते यूट्यूब पे, क्योंकि उन्हें बनानी भी नहीं आती वो ऑलरेडी काम काज करते हैं तो उनको टाइम भी नहीं होता ना नेट होता है वहाँ पे सीधी सी बात है बड़ा अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा और सितारा आई लव यू मेरी जान की टोटी सोनी है शहजादी है ब्लॉग बनाओ यार प्यारे प्यारे से ब्लॉग बनाओ क्या उदास हो के बैठी हो क्या चुप करके बैठी हो खामोशी से हमें आयत दिखाओ हमें ताइबा दिखाओ हमें मुस्तफ़ा दिखाओ अपने मुर्गियाँ भी दिखा देना कुकड़ कु कुु। 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 <laughs> मैं बहुत हंसती होती हूँ <laughs> <laughs> बहुत ज्यादा मैं हंसती होती हूँ कि यार Uh, मैं दूसरे चैनल पे मैं ऑलरेडी कुकड़ियों की बात करती हूँ सुनहरा पे <laughs> तो यहाँ पे मैं सितारा को कहूँगी प्लीज़ अपनी कुकड़ियाँ भी दिखाओ और ब्लॉग भी बनाओ सब मिस कर रहे हैं यार इस तरह ना करो और आपका पैगाम मैंने वैसे स्क्रीन शॉट <coughs> मैंने स्क्रीन शॉट भी भेज दिए थे लेकिन uh, मेरी कुछ बहनों ने मुझे कहा था सितारा को कहे आंखों में आँखें डाल के वीडियो बनाए और कहे सख्त तरीके से खबरदार मेरे खिलाफ वीडियो अगर बनाई मेरी पिक्चर यूज की, वीडियो यूज की, की, वीडियो मैं स्ट्राइक दूंगी चैनल उड़ाऊंगी सीधे सीधे और मैं भी होती तो मैं ऐसे करती इन लोगों की फिर दबाने शायद बंद हों उसी के नाम उसी की पिक्चर उसी की चीजें सारी यूज करके जो है भोंकते हैं ये लोग टैग करके हिम्मत वाली है ये बंदी फिर भी सुन लेती है हम तो कभी भी ना सुने सितारा और बहुत हिम्मत वाली हो यार इसीलिए तो प्यार आता है आप पे लाइव में इतने इतने लोग बैठे होते हैं आपके लिए रो रही होती हैं बहनें हमारी और आपको बहुत प्यार करती हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू बस चुपचाप आ जाओ चैनल पे बे रौनक हुआ पड़ा यूट्यूब आ जाओ आ, वीडियो डालो मज़ा आएगा हम देखेंगे इन्जॉय करते हैं हमें सब सब एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आपका ब्लॉग लेट हो तो तो प्लीज़ खुदा चंद लोगों की खातिर आप उदास ना हो इग्नोर करें धड़ल्ले से आए वीडियो बनाए हैपी रहें किसी की ना सुने थोड़ी सी सख्त दिल बने खुदा रहा आप थोड़ी सी सख्त दिल बने इतनी नरमी अच्छी नहीं होती आप अपने हर इल्ज़ाम पे खामोश रही हैं आपके भांजों पे आपके साथ इल्ज़ाम लगाया गया आपके मतलब और भी दो तीन रिश्तेदारों के साथ आप लोग आप पे इल्ज़ाम लगाया गया ऐसे ऐसे कोचे कुछ गंदे गंदे से लोगों का जो है आपके साथ नाम जोड़ा गया बाकी यहाँ पे भी कमजरफ लोग पड़े थे जिन्होंने अब नाम जोड़ा तो आप तो स्ट्रांग बने हैं आप क्यों दिल छोटा करती हैं क्यों परेशान होती हैं आपको इतना लोग इतनी दुनिया प्यार करती है सितारा खुश नसीब हैं आप आप प्लीज़ वीडियो बनाए मेरी जान और आप वापस आ जाए तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें आ अगली वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़